बुलेटिन का तो भरतपुर के कामा से खबर है, जहां पर 6 महीने की महज 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ एक मां को अवैध रूप से हिरासत में रखने का मामला है। हत्या के आरोपी की बहन होने की सजा मिल रही है और भाई को हत्या के आरोप में पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 26 नवंबर को शब्बीर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने हत्या के आरोपी अलीम खान को गिरफ्तार किया था। वापस से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो है, महज 6 महीने के एक मासूम के साथ एक मां को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। ये मामला सामने आया, हत्या के आरोपी की बहन होने की उसे सजा दी गई। भरतपुर के कामा से खबर है, भरतपुर के कामा से खबर, महज 6 महीने की मासूम के साथ उसकी मां को हिरासत में रखा गया। बताया जा रहा है जो मुल्जिम है उसकी बहन होने की सजा उसे मिली। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके। देवेंद्र, क्या जानकारी, क्या है पूरा मामला? देखिए, 26 नवंबर को गुड़गांव में एक 26 नाम के युवक की हत्या हो गई थी। बीच बचाव के दौरान एक आरोपी अलीम नाम के युवक ने हत्या की थी। अलीम की ये बहन है वसीफ वलीमा, जिसको अलीम को हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर ही लोगों ने उसे पकड़ लिया था, जमकर उसकी धुनाई की थी और 24 घंटे तक उसे बंधक बना के रखा था। बाद में जो क्षेत्रीय विधायक है उनके निवास पर जाकर उसको सौंपा था। तमाम इस तरह की बातें आई निकलकर, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी जेल में है उसकी बहन वलीमा को और उसके 6 माह के बच्चे को थाने में बैठा रखा है अवैध रूप से, और लगातार इस तरीके से 6 माह के बच्चे को लेकर वो बैठी हुई है और अपने आरोपी हत्या के आरोपी के भाई बहन होने की सजा वो भुगत रही है। इस तरह का मामला सामने आया जी। हत्या की वजह क्या है और क्यों हिरासत में रखा गया, इस पीछे क्या पुलिस की जो कार्रवाई है या क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, हत्या का जो आरोपी था उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भी भेज दिया गया है अलीम को, लेकिन जो वलीमा इसकी जो बहन है और उसके 6 माह के बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लेकर बैठा रखा है अवैध रूप से। ना तो उसे कहीं गिरफ्तार दिखाया गया है किसी मामले में और 6 माह के मासूम को लेकर। बिल्कुल, सवाल यही था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, पुलिस की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिलहाल तक की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र।